हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा बीजेपी का दामन। साथ ही अंबाला की मेयर शक्ति रानी भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के जींद में सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली के कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया, कहा केजरीवाल के विकास कार्यों से पीएम मोदी करते हैं नफरत। अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना। हरियाणा में मतगणना की तारीखों में बदलाव पर बोले जयंत चौधरी, कहा यह राजनीतिक दल नहीं बल्कि चुनाव आयोग का फैसला, सभी दलों को निर्णय का सम्मान करना चाहिए। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में कई नेता पीडीपी में शामिल हुए। इस दौरान बोली महबूबा मुफ्ती, कहा जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद। लालू की पार्टी आरजेडी को छोड़ श्याम रजक की फिर जेडीयू में हुई वापसी। पिछले महीने 22 अगस्त को आरजेडी के महासचिव पद और प्राथमिक सदस्यता से दिया था इस्तीफा। जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले श्याम रजक, कुछ लोग मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, अब नीतीश कुमार के साथ काम करना है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कहा जनहितैषी और पारदर्शी है केंद्र सरकार, सबका साथ सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीतियां सख्त। वाराणसी में सीएम योगी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को संबोधित किया, कहा कांग्रेस और एसपी ने देश को बांटने का काम किया, बीजेपी ने देश में एकता लाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एमबीए के प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत तमाम नेता शामिल। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा इस गलती को नहीं मिलेगी माफी, पीएम ने जब माफी मांगी तो उनके चेहरे पर अहम था, नतमस्तक होना सिर्फ शब्दों में नहीं क्रिया में दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने पर सियासी घमासान जारी। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाला विरोध मार्च। एमवीए के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर राजनीति के विरोध में बीजेपी नेताओं ने एमवीए के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन के जवाब में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का मोर्चा। नेताओं ने कहा जब प्रधानमंत्री ने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में माफी मांगी तो फिर विपक्ष क्यों कर रहा है सियासत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत। सभी सांसद विधायक झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्याएं। बीजेपी के जन आक्रोश अभियान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा झुग्गी बस्ती के लोगों को हो रही बिजली बिल और पानी की समस्या, दिल्ली सरकार झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ कर रही है अनदेखी। झुग्गियों में पानी की किल्लत, बढ़ी हुई बिजली की दरें और गंदी नालियों की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मालवीयनगर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई सांसद मासूरी स्वराज। जनाक्रोश अभियान के दौरान मासूरी स्वराज ने कहा एक दशक तक सरकार में रहने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों के लिए नहीं किया कोई काम, केजरीवाल ने जनता से किया सिर्फ झूठा वादा। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रदर्शन। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा बिहार में जाति जनगणना हुई तो चाचा नीतीश बीजेपी के साथ चले गए और अब इस पर रोक लग गई, इससे तेजस्वी का नहीं आम जनता का हुआ नुकसान। केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला, अब राजीव रंजन प्रसाद होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज है। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस का दामन थामा। लखनऊ में लोहिया विश्वविद्यालय में एलएलबी की छात्रा की संदिग्ध मौत, मौत की वजह साफ नहीं, एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी अनिका, मृतक छात्रा के पिता एनआईए में आईजी। महिला डॉक्टर हत्याकांड पर लोगों का आक्रोश जारी, कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर निकला हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम,
हाथों में पोस्टर बैनर के साथ लोगों ने लगाए वी वांट जस्टिस के नाम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, जिला अस्पताल पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर फिर सवाल उठे, 24 घंटे के भीतर 4 रेप और छेड़खानी की वारदातें, बीजेपी ने हल्ला बोला, सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। कोलकाता में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, फिर भी बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार, ममता सरकार में गुंडागर्दी, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उफान पर नदी, आसपास के कई इलाकों में बाढ़, कमर तक इलाकों में भरा पानी, पानी के बीच से होकर गुजर रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी, कुछ हिस्सों में नीचे की तरफ जमीन भी खिसकी, विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को फिलहाल रोका गया। देश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के कारण रेल सेवाओं पर असर, आज 6 ट्रेनें कैंसिल, 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव, रेलवे ट्रैक पर जलभराव के कारण दक्षिण मध्य रेलवे ने फैसला लिया। हैदराबाद जिले में बारिश का रेड अलर्ट, एहतियातन प्रशासन का बड़ा फैसला, कल सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, बुडामेरू पुल के पास कई घर पानी में डूब गए, पूरा इलाका जलमग्न। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश का कहर, शिवनगर में सड़कें जलमग्न हुई, कई इलाके नदियों में तब्दील। आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदियां, विजयवाड़ा में पुली चिंतला बांध पर पानी ओवरफ्लो हुआ, पानी की धार देखकर सहम गए। असम के गुवाहाटी में बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा, अहमदाबाद में मंडियों तक नहीं पहुंच रही पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है धनिया। यूपी के वाराणसी में लोगों को राहत, गंगा नदी का गिरा जलस्तर, घाटों पर पानी आया नीचे, फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर लगी है रोक। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह बने वायुसेना के नए उप प्रमुख, पदभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच का निरीक्षण किया, वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, यात्रियों की सेफ्टी के साथ साथ लोको पायलट और अटेंडेंट्स की सुविधा का भी रखा जा रहा है ख्याल।